तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोर्स इंट्रोडक्शन एंड वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग के ऊपर, और हमारे साथ विजय जी हैं जिन्होंने डेमो एज ए डेमो क्लास ज्वाइन किया हुआ है वीवीएम माइक्रो के लिए। चलिए हम वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग है क्या। सबसे पहले अभी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूँ। तो सर वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग है क्या, पहली चीज को जाने। वीवी एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये कोई VV6 या VV.NET जैसी चीजें नहीं है जो कि एक नई एप्लीकेशन क्रिएट करती है, जी नहीं। ये ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए फीचर्स को डेवलप करती है। और नए फीचर्स से मतलब, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने आपको इसमें बहुत सारी चीजें बना के दिया हुआ है, फिर भी कभी कभी हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ नया चीज चाहिए होता है। अब नए चीज में जैसे कोई नया फॉर्मूला चाहिए, कोई नया ऑप्शन चाहिए जो नहीं है, उसका यूज हम उसके लिए वीवीएम प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है रिपोर्ट ऑटोमेशन। अब रिपोर्ट ऑटोमेशन क्या है? अब रिपोर्ट ऑटोमेशन मतलब एक हुआ कि कोई एक बहुत बड़ी फाइल है, कोई काम है जिसको करने में आपको घंटों लग जाता है, ओके, तो सारी प्रोसेस को, सारे तरीके को आप एक्सेल में कोड कर देंगे तो आपका काम विद इन सेकेंड में कर देगा। बात समझे सर? तो ये वीवीएम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो हम आपको क्या सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे कंप्लीट वीवीएम लैंग्वेज। अगर डिटेल में जाना चाहे तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे आप जा सकते हैं, वहाँ आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। मैंने इसके तकरीबन 11 मॉड्यूल बना रखे हैं जिसमें पहला आपका आता है, वो आता है माइक्रो, बेसिक माइक्रो प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम बात करेंगे कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम लूप्स के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में, हम बात करेंगे फॉर्मूला क्रिएशन के बारे में, हम बात करेंगे एडवांस फॉर्मूला क्रिएशन के बारे में, हम बात करेंगे चार्ट्स एंड डैशबोर्ड ऑटोमेशन विद वीवीए के बारे में, हम बात करेंगे पिवट ऑटोमेशन, पिवट टेबल को कैसे वीवीए से ऑटोमेट करेंगे, हम बात करेंगे यूजर फॉर्म के बारे में, हम बात करेंगे पिक्चर्स इमेज ऑटोमेशन के बारे में एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी, जैसे आप ईमेल डायरेक्ट मेल सेंड करना चाहते हो एक्सेल से, आउटलुक के थ्रू या याहू जीमेल या कोई और ईमेल के थ्रू, पीडीएफ मेल ऑटोमेशन करना चाहते हो, वर्ड हैंडल करना चाहते हो, एक्सेल हैंडल करना चाहते हो, नोट पैड वगैरह, ये पूरी डेटाबेस अदर एप्लीकेशन कनेक्टिविटी इसको हम कर सकते हैं। कोर्स की अगर ड्यूरेशन की बात करें तो तकरीबन 45 से 55 घंटे की क्लासेज है। ये आपको एवरेज 45 मिनट टू 1 आवर की क्लास मिलेगी। अब क्लास का जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है आपके टॉपिक और आपके क्वेश्चन के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ पिवट टेबल के बारे में, तो मुझे आज ये टॉपिक करना है कि हाउ कैन क्रिएट द पिवट टेबल विद वीवीए। तो मैंने इसको पढ़ाया, आपने कोई सवाल नहीं किया मुझसे, तो जाहिर सी बात है क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने बीच में 3-4-5 सवाल कर दिया तो हो सकता है क्लास जो है वो 1 घंटे से ऊपर भी चली जाए। तो ड्यूरेशन हमारे यहाँ कोर्स के भी और क्लास के भी दोनों की एवरेज होती है। दूसरी चीज है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आप लंबी क्लासेस क्यों लेते हैं, आप 2.5 घंटा 3 घंटा क्यों नहीं पढ़ाते हैं? तो इसके बारे में देखिए बस बात क्या है कि मेरे पास जो भी ज्वाइन करते हैं आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, कोई फ्रेशर हमारे यहाँ ज्वाइन नहीं करता जिसका दिन भर उसका पढ़ने का काम। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स अगर आपने 2 या 2.5 घंटे का मान लीजिए टाइम अरेंज से क्लास निकाला तो उससे उतना ही या उससे ज्यादा टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगा क्या? अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सीखने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपको 45 मिनट की क्लास दी है तो 1.5 घंटे का टाइम आपको प्रैक्टिस का होना चाहिए। और बिजी लाइफ में से स्टडी के लिए 2 घंटा निकालना, 2 घंटा से ज्यादा निकालना बहुत मुश्किल है। क्या बोल रहे हैं विजय जी, मैं सही बात कर रहा हूँ ना? तो इसीलिए मेरी क्लासेस थोड़ा सा स्मॉल साइज में होती है ताकि आप जो है सीखे। और इससे एक और बेनिफिट होता है, जैसे कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं क्योंकि आप जो सीख रहे हो कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री या किसी चीज के लिए सीख रहे हो, आप सीख रहे हो क्योंकि आपको ऑफिस में इसकी जरूरत पड़ गई है, मतलब कि यहाँ से सीखेंगे और ऑफिस में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इससे एक और बेनिफिट होगा कि आपने सीखा, ऑफिस में इम्प्लीमेंट किया, कोई प्रॉब्लम आ गई तो अगले दिन मुझसे पूछे सर मेरे ऑफिस में एक काम था, इस काम को क्या मैं इससे कर सकता हूँ या किससे कर सकता हूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसको आप इस तरह से करें। एक तरह से आपकी एक सपोर्ट के तौर पे भी ये कोर्स
काम आती है। और कोर्स ही नहीं, कोर्स खत्म होने के बाद भी कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा फोन ऑन रखेंगे। ठीक है सर, तो एक कोर्स का अब कोर्स में आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले क्लास की वीडियोज। क्लास की वीडियोज आपके पास भी रिकॉर्ड हो रही है, मेरे पास भी रिकॉर्ड हो रही है, क्लास के बाद आपको मिल गए। कभी इन ऐसा हुआ कि इन फ्यूचर में कि आपने रिकॉर्ड नहीं कर पाया या किसी दिन आप छुट्टी पर हैं, तो उस दिन की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी क्लास जी को। फिर आपके नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ बुक्स मिलेंगे, पढ़ने के लिए आर्टिकल्स मिलेगा और मिलेगा फ्री रीज्वाइनिंग। अब फ्री रीज्वाइनिंग क्या है, जैसे क्या होता है सर कि आप अगर जब सीखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अभी सीख लिए और हमेशा याद रहेगा। 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद हो सकता है कि कुछ पार्ट या पूरी की पूरी बीवीए को आप भूल गए, बट सडनली आपको काम आ गया, अब आपको वापस सीखना है, तो उसके लिए कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप फ्री रिज्वाइन कर सकते हैं, हमसे आपको हम आपसे दोबारा फीस नहीं मांगेंगे, या फिर तिवारा या चौबारा, तीसरी बार चौथी बार भी आप क्लास ले सकते हो। ये कब तक वैलिड है इसका कोई मैंने एक्सपायरी डेट सेट नहीं किया हुआ है, जब तक मैं जिंदा हूं पढ़ा रहा हूं तब तक पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, अब बोलेंगे सर रीज्वाइनिंग का मैंने बेस क्या है, क्या सर देखिए रीज्वाइनिंग में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपके साथ कोई मेरा पुराना स्टूडेंट आ गया, तो मुझे मेरा कोई मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं वो आए ना आए आपको तो पढ़ाना ही है। उसी तरह से आप भी इन फ्यूचर में मेरे किसी भी रनिंग बैच में आके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा 2 सीट, 5 सीट का बैच होता है और 2 सीट हमारे हमेशा मैं खाली रखता हूँ हमारे रीज्वाइनर्स के लिए, इसको भी आके पढ़ सकते हैं। तो आप कभी भी रीज्वाइनिंग कर सकते हैं हमारे किसी भी बैच में। उसके अलावा आपको अगर रीज्वाइन नहीं करना है, वीडियो चाहिए तो आप वीडियो भी मुझसे ले सकते हैं। बात हुई ऑफिस की भी कुछ प्रॉब्लम हुई, जैसे मान लीजिए मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपके ऑफिस की कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप जो है हमारे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अगर टॉपिक समझाने लायक हुआ तो मैं उसी से आपको समझा दूंगा, अगर लेंदी हुआ मुझे ऐसा लगा कि आप समझ नहीं पाएंगे तो स्पेशल मैं टाइम निकालूंगा, 1-2 दिन का टाइम आपसे लूंगा, टाइम निकाल के उससे एक अच्छा सा वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है सर, तो इस तरह से हम आपको हेल्प करेंगे। तो अगर मेरी बात करें तो मैं पिछले आई थिंक 16 साल के आसपास हो चुका है, तो 2004 में मैंने अपने कैरियर स्टार्ट किया था, तो 16 साल से मैं एक्सेल से ही काम कर रहा हूँ, एक्सेल यूज कर रहा हूँ। ऐसे मेरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं एमफिल कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो लेकिन मैं अपने आप को एक्सपर्ट एक्सेल पे ही मानता हूँ। तो आपको जो चीजें सिखाऊंगा वो मेरे 16 साल का कैरियर जो है हमारा प्रोफेशनल कैरियर उससे बात करूंगा। मैंने 2015 तक जॉब की थी, मैं लास्ट जॉब फेयर पोर्टल पे थी, जी हाँ फेयर पोर्टल tpostio.com टेबल कंपनी थी, वहां पे मैं फेयर एंड डेटा एनालिस्ट एंड वीवीए डेवलपर था। लास्ट 2015 तक हमारी जॉब चले, 2015 के बाद मैंने जॉब छोड़ा और मैंने रिपोर्ट कंसल्टेंट का काम शुरू किया। हमारे पास तकरीबन 70 ऐसी कंपनियां हैं जिसकी मैं ऑटोमेटेड क्या बोलते हैं क्रिटिकल रिपोर्ट को ऑटोमेट करता हूँ। तो किस तरह के क्रिटिकल रिपोर्ट, अब कुछ दिन पहले ही मैंने एक रिपोर्ट को ऑटोमेट किया है, मैं आपको बता सकता हूँ, एक छोटा सा डेमो आप दिखा सकता हूँ कि क्या है आखिर रिव्यू। जी तो बेसिकली एक कंपनी थी जिसको एक लेटर बनाना होता था, उसके बाद से दिख रहा आपको डेटा है, इस डेटा को एक लेटर फॉर्मेट में डालना होता था, आपको यहाँ दिख रहा है एक लेटर फॉर्मेट में लेटर हेड के ऊपर, और पूरा डिटेल डालना होता था कि किसका है, कौन सा कंपनी है, ईमेल आईडी क्या है, कब हो रहा है, कौन सा वर्जन है, और फिर पूरी की पूरी डेटा को यहाँ पे पेस्ट करना होता था। बात समझ गया, इसको मैंने एक्सेल पे बना के दिया, तो बोलते नहीं मुझे सर जो है वर्ड में डाल के देना होता है, तो वर्ड में बनना चाहिए।
मैंने इसके लिए एक सिंपल सा माइक्रो बना दिया। अब उनको क्या करना है कि ये सब मैनुअली उनको लिखना नहीं है, बस अपने डेटा को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट कर लिए और फिर एक छोटा सा माइक्रो है, माइक्रो को रन करेंगे। रन करते ही यहाँ पे नाम पूछे क्लाइंट नेम, जैसे मैंने क्लाइंट नेम पूजा कर लिया, और बाकी और डिटेल भी है जो पूछता है, ये तो डमी में है इसे बता रहा हूँ आपको। अब देखिए कुछ ही देर में यहाँ पे वर्ड खुलेगा, वर्ड खुल गया। अब देखिए एक एक चीज को टाइप कर रहा है, मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, ये वीवीए कर रहा है। समझे? और उसको क्लोज कर दिया। अब आप अब देखेंगे इसमें डाउनलोड में या डॉक्यूमेंट में बनाया हुआ, डॉक्यूमेंट बनाया डाउनलोड में, ये आ गया सर। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो देखिए पूजा के नाम से बना हुआ है सर। अब ऐसे उनको जो है डेली बेसिस पे जो है उनको बहुत सारे लेटर्स तैयार करने होते थे, तो मैंने क्या किया 10 बना दिया कि भाई आप सिलेक्ट कीजिए और बना दीजिए। तो इसमें हमने क्या प्रोग्रामिंग किया तो आप देख सकते हैं, इसके लिए हमने ए प्रोग्राम को ऐड किया हुआ है, इस जिसे वीवीएमआई का प्रोग्राम। तो इस तरह की क्रिटिकल रिपोर्ट को मैं ऑटोमेट करने का काम करता हूँ, और साथ में हमारे जो भी क्लासेस की एग्जाम्पल होंगे वो हमारे किसी न किसी क्लाइंट का ही प्रॉब्लम होगा। तो जो भी चीजें हम आपको सिखाएंगे विजय जी, वो आपका नॉर्मली है जो एक्सेल है, जो ऑफिस में वर्क होता है दिन, वो हम आपको सिखाएंगे। और मेरा मेन फोकस होता है रिपोर्ट ऑटोमेशन, मतलब कि जो काम हम मैनुअली करते हैं वो विदिन सेकेंड में हो जाए वीवी के थ्रू, इस पे मेरा मेन फोकस होगा। ये तो हो गई कोर्स के बारे में। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग के बारे में। अब जैसे आप मान लीजिए कोर्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आपके पास जान लीजिए। पहली चीज, आपको एक्सेल की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल की अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम जो भी फिगर करेंगे वो हम ऑफिस के ही करेंगे ना, जो एक्सेल का जो है वही करेंगे ना सर टीचर, तो इसलिए उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब मुझे नहीं आइडिया कि आपको क्या नॉलेज है, तो मैंने अभी आपको जस्ट एक लिंक व्हाट्सएप किया है। ये तकरीबन 5 घंटे के लिंक है जो कि एक्सेल के बारे में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो इस लिंक को आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें मैंने नहीं बोला कि आपको सब कुछ देखना है, इसमें से आपको वो सारी चीजें देखनी है जो चीजें आपको नहीं आती है, जो चीजें आती है उसको स्किप कर दीजिए। तो पहले तो प्रिपरेशन और लर्निंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैंने भेज दिया, आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है विजय जी। दूसरी, टाइम, आपको क्लास के बाद प्रैक्टिस के लिए घंटे डेढ़ घंटे का टाइम होना चाहिए। अगर आप क्लास के बाद घंटे डेढ़ घंटे का टाइम निकाल सकते हैं, अब टाइम का मतलब ऐसा नहीं कि सर बोलेगा सर मैं दिन भर तो ऑफिस में एक्सेल पे ही काम करता हूँ, नहीं, प्रैक्टिस की बात की। प्रैक्टिस में क्या होता है, जैसे कि क्या होगा, जैसे मैंने आपको जो चीजें समझाई जो बताई उसके आप लेंगे, उसकी वीडियोस को देखेंगे और जैसा मैंने किया वैसा करने की कोशिश करेंगे। जब वो सक्सेस हो जाता है देन आप उसके ऊपर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कलर चेंज कर दिया या कुछ ऐसा कुछ चेंज करेंगे, मतलब थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें को चेंज करेंगे और फिर उसका इफेक्ट देखेंगे। उसके बाद उसको आप उस टॉपिक को आप इंटरनेट पे रिसर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे और उसमें कुछ नए चीज ढूंढने की कोशिश करेंगे जो मैंने आपको नहीं बताया। तो इसके लिए आपको घंटे डेढ़ घंटे का टाइम चाहिए होगा। अगर आपको घंटे डेढ़ घंटे के क्लास के बाद टाइम है तो यू कैन ज्वाइन, अगर नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करेंगे, चाहे मेरे पास करें या किसी और के पास करें। क्योंकि सिंपल सी बात जान लीजिए, एक्सेल जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स नीड टू प्रैक्टिस। मैं सही बोल रहा हूं सर? तो
इसलिए हम आपको पहले कर देते हैं, क्योंकि आप इसको सीख रहे हैं ऑफिस में इंप्लीमेंट करने के लिए, तो प्रैक्टिस तो जरूरी है, क्लियर प्रैक्टिस करनी, मतलब कि एक दो क्लास अगर छूट जाती है तो कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए कि कल की क्लास आपकी छूट गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको कल की भाई टॉपिक परसों पढ़ा दूंगा या संडे सैटरडे को एक्स्ट्रा टाइम देकर पढ़ा दूंगा, बट अगर प्रैक्टिस एक क्लास से छूट गई फिर वो छूटती चली जाएगी सिक्वेंस, तो प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ क्लास लेके आप वीवीए के बारे में थोड़ा बहुत जान जाएंगे बट वीवीए पे एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे, एक्सपर्ट होने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ये मेरा तजुर्बा कहता है सर 16 साल का। ओके सर, अब ज्वाइनिंग कैसे करेंगे क्लास को, जैसे मैंने आपको भी लिंक भेजा है ना सर, इसी लिंक को आप जो है दोबारा आपको जो है दोबारा जो डालेंगे टाइम पे मुझे मैसेज करेंगे, मैं लिंक को एक्टिवेट कर दूंगा, आप उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे बारे में और मेरी क्लासेस के बारे में और जानना चाहेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे आपको सर्च करना है आईपीटी इंडिया, या मैं मोबाइल नंबर भी सर्च कर सकते हैं आईपीटी इंडिया, आईपीटी इंडिया को जब सर्च करेंगे तो ये आगे मेरी वीडियो, तो मेरी एक्सेल और वीवीएस रिलेटेड तकरीबन 5000 से ऊपर वीडियोस इसमें डले हुए हैं, आप इस वीडियोस को देखिए, कुछ वीडियोस को देखिए, अगर लगता है कि हाँ ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल है, इस तरह की चीजें आप समझ पा रहे हैं तो आप इसे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है विजय जी। सर माफी चाहूंगा, आपकी आवाज मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, बहुत ही स्लो आपकी आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है माइक से बहुत दूर बैठे हैं आप, तो सर माइक में प्रॉब्लम हो सकती है सर। अभी आ रही है आवाज? अब बेटर है सर। ओके, देखिए हम लोग का काम एक्सेल में, हम लोग का क्या होता है ना, जैसे हम लोग टूल यूज करते हैं ओरेकल, जी हम लोग का क्या होता है, हम लोग कुछ वर्किंग फाइल में जैसे पीवट, जैसे कोई डेटा निकाला हम लोग ने, कोई सिस्टम से डेटा निकाला उसका हम लोग को पीवट बनाना पड़ता है, पीवट करके वो वेब एडीआई एक टेम्पलेट होता है जिससे वो ओरेकल में अपलोड होता है, तो उस फॉर्मेट में हम लोग को बना के फाइल रेडी करनी पड़ती है, तो वो सब चीज का मैं चाह रहा हूँ कि वो सब चीज का अगर ऑटोमेशन समझ जी। देखिए मैनुअल जो काम आप कर रहे हैं ना, जो मैनुअल चीजें ट्रिगर कर रहे हैं वो सबको वीवीए कोड ट्रिगर कर सकता है। Okay. और रही बात ओरेकल में डायरेक्ट डेटा डालने का, तो ओरेकल में हम डायरेक्ट डेटा भी डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ओरेकल का कोई टेबल है और उस टेबल में आपको पूरी एक पूरी की पूरी शीट को अपलोड करनी है, इंसर्ट कमांड जो एसक्यूएल में चलता है ना सर, एसक्यूएल की इंसर्ट कमांड चलती है, तो उस इंसर्ट कमांड के थ्रू आप डायरेक्ट ओरेकल में एसक्यूएल में एक्सेस में डेटा को डाल सकते हैं, ठीक है। आपको लैंग्वेज को सीखना होगा, जैसे आपको अगर कोई आके बोले, मुझे कोई बोले किसी इंग्लिश टीचर को आके बोले कि सर मुझे इंग्लिश सीखनी है और मुझे इंग्लिश से पोएट्री करनी, तो क्या वो मास्टर क्या करेगा, सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाएगा, देन पोएट्री के कंडीशंस को समझाएगा, उसके बाद तुम पोएट्री करो क्या। अब इंग्लिश लैंग्वेज आपने सीख लिया, स्टोरी राइट करो चाहे पोएट्री लिखो, ये आप पे डिपेंड करता है, उसी तरह से मैं आपको लैंग्वेज सिखा दूंगा, लैंग्वेज सीख जाएंगे तो आपको जो मर्जी कमांड दे सकते हो, अगर लैंग्वेज सीखने के बाद कुछ ऐसी कमांड हुई जो कि मैंने आपको ना सिखाया हुआ तो उस पर भी रिसर्च आप इजिली कर लेंगे, समझे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज को सीखना कि रेंज क्या होता है, क्यों रेंज लगाते हैं, सेल कब लगाते हैं, रेंज और सेल में क्या डिफरेंस है, सिचुएशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें पहले पूरी आपको समझनी पड़ेगी। जैसे आप इंग्लिश में ग्रामर को समझते थे, ऐसे इसमें भी ग्रामर टाइप के होते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो हम कल से आपका 9 to 9:15 के बीच में क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे